द वार्ड। कहानी की शुरुआत में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां पर एक पेशेंट जिसका नाम टैबी होता है उसके रूम में एक अनजान शक्ति आकर उसे मार देती है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो भागकर एक फार्म हाउस के पास आती है और उसे जला देती है। तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे अरेस्ट करके उसी हॉस्पिटल में भेज देते हैं। अब हॉस्पिटल में उस लड़की से पूछताछ होती है जिसमें वो अपना नाम क्रिस्टन बताती है। इसके बाद रॉय नाम का एक नर्स उसे उसके वार्ड में जाता है जहां पर वो एक और नर्स से मिलती है। क्रिस्टन को इस रूम में चार और पेशेंट दिखती हैं जो उसी की तरह होती हैं। फिर नर्स उसे उसके वार्ड में ले जाती है और टैमी नाम मिटाकर वहां क्रिस्टन लिख देती है। ये वही कमरा होता है जहां पर एक अनजान शक्ति ने टैमी को मारा था। इसके बाद क्रिस्टन जब रात में सो रही होती है तो तभी कोई उसका ब्लैंकेट खींचता है। जब क्रिस्टन देखती है तो वहां उसे किसी का टूटा हुआ ब्रेसलेट मिलता है। इसके बाद अगली सुबह वो डॉक्टर स्ट्रेंजर से मिलती है जो उसका इलाज करने वाला था। क्रिस्टन नर्स से कहती है कि कल रात कोई उसके कमरे में आया था, पर नर्स कहती है कि वो कमरा पूरी रात लॉक्ड था। फिर वो उसे दवाई देती है लेकिन क्रिस्टन वो दवा नहीं खाती, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टन उन्हीं लड़कियों से मिलती है जिनका नाम आयरिस, सैरा, एमिली और जोई होता है। एमिली कहती है कि क्या तुम हमें यहाँ बचाने आई हो। ये सुनकर क्रिस्टन को काफी अजीब लगता है और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर जाता है जो उसे अपने साथ ले जाता है। फिर डॉक्टर उससे कुछ सवाल करने लगता है। इस पर क्रिस्टन कहती है कि वो पागल नहीं है इसलिए वो उसे यहाँ से जाने दे, जिस पर डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। फिर रात में क्रिस्टन वहाँ से भागने का प्लान बनाती है लेकिन जैसे ही वो भागने जाती है तभी रॉय आकर उसे पकड़ लेता है और उसे उसके रूम में छोड़ देता है। फिर जब वो सो रही होती है तो उसे सपने में एक लड़की बंधी हुई दिखती है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। अगले दिन वो आयरिस से मिलती है जहां वो उसकी ड्राइंग बनाने के लिए कहती है। तभी एक कपल इन्हें ऊपर से देख रहा होता है। इस पर आयरिस उसे बताती है कि ये लोग हमें देखने आते हैं और डॉक्टर से हमारे थेरेपी के बारे में कुछ बातें करते हैं। क्रिस्टन बताती है कि कल रात उसने एक लड़की को देखा था, पर आयरिस कहती है कि तुम इन सब पर ध्यान मत दो। अब रात में बारिश होने लगती है और तभी सैरा एक म्यूजिक लगाती है जिस पर ये सभी लड़कियां नाचने लगती हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और उस लड़की की आत्मा आकर उन्हें डराने लगती है। पर तभी लाइट फिर से आ जाती है जिससे ये शांत होती हैं। इधर नर्स जब अपने केबिन से बाहर जाती है तो क्रिस्टन वहां आकर छानबीन करने लगती है। तभी वहां पर सैरा आती है जो उसे तंग करने लगती है, पर क्रिस्टन उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फिर जब सभी लड़कियां नहा रही होती है तभी वो आत्मा आकर क्रिस्टन को डराती है, जिसकी आवाज सुनकर नर्स वहां पर आती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। फिर वो उसे शॉक भी दिलवा है क्योंकि उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। अगले दिन डॉक्टर उन लड़कियों से मिलने आता है जहां आयरिस उससे पूछती है कि तुमने कल रात क्रिस्टन के साथ क्या किया। इस पर डॉक्टर कहता है कि हमने उसे थेरेपी दी है। ये सुनकर एमिली कहती है कि जब भी तुम किसी को थेरेपी देते हो तो वो वापस नहीं आता, जैसे कि टैमी को। ये सुनकर क्रिस्टन कहती है कि ये कौन है, पर डॉक्टर उसकी बात काट कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद आयरिस इनके पास खुशी खुशी आती है और कहती है कि वो अब रिलीज होने वाली है, पर बाकी लड़कियों को उस पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उसे उस दिन की बातें याद करने के लिए कहता है। इसके बाद जब आयरिस की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ उस लड़की की आत्मा आकर उसे एक बेड पर ले जाकर बांध देती है और उसकी आँख में एक टूल धसा देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अगली सुबह क्रिस्टन को आयरिस का स्केचबुक मिलता है जिसमें एक एलिस नाम की लड़की का स्केच होता है और उस आत्मा का भी जिस पर एलिस नाम लिखा था। तभी वो उस ब्रेसलेट को निकालती है जिस पर भी वही नाम लिखा था। ये देखकर वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी एलिस नाम की लड़की को ट्रीट किया है। डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें यह नाम कहाँ से मिला। इस पर वो कहती है कि एलिस वही लड़की है जिसने उसे नहाते वक्त मारने की कोशिश की थी। वो डॉक्टर से उन लड़कियों के बारे में पूछती है कि उसने उनके साथ क्या किया, पर डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद अब क्रिस्टन यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है, पर वो लड़कियाँ कहती हैं कि वो हमें नहीं जाने देगी। फिर रात में क्रिस्टन उस डोर लॉक में टिश्यू डाल देती है ताकि वो लॉक ना हो सके। फिर नर्स वहाँ उसे खाना देने आती है और दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। फिर मौका देखकर क्रिस्टन वो दरवाजा खोलती है और एमिली के साथ वॉशरूम में जाती है। फिर वो जोई के सिक्के से एक जाली को खोलती है और उसमें से निकलने लगती है।
हैं। अब ये हॉस्पिटल के एक दूसरे रूम में पहुंच जाती हैं, जहां पर कई सारे टूल्स होते हैं। तभी वहां इन्हें किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए ये अलग अलग जगह छुप जाती हैं। फिर जब क्रिस्टन वहां से निकलती है तो उसे एमिली वहां नहीं दिखाई देती। तभी उसे लॉकर रूम से आवाज आती है। जब वो उसे खोलती है तो उसे वहां एक हाथ दिखता है, जिसे देखकर वो भागने लगती है। पर तभी वहां वो आत्मा आ जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और रॉय उसे उठाकर उसके वार्ड में बंद कर देता है। वहां पर उसे फिर से वही नाइटमेयर आता है, जहां वो आदमी उसे टॉर्चर करने के लिए बढ़ता है। अगली सुबह क्रिस्टन को एमिली मिलती है, जो उससे कहती है कि कल रात उसे नर्स ने पकड़ लिया और बहुत मारा था। अब इनकी ये कोशिश भी नाकाम रहती है। इधर सैरा रॉय से फ्लर्ट कर रही होती है, पर रॉय को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। अब इस बात का गुस्सा वो एमिली और जॉय पर निकालती है। तभी एमिली वहां टीवी की आवाज बढ़ा देती है, जिससे सैरा वहां से जाने लगती है। पर तभी एलिस की आत्मा आकर उसे पकड़ लेती है। फिर वो उसे शॉक रूम में लेकर जाती है और उसे खूब तगड़ा शॉक देती है, जिससे उसका शरीर जल जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर केवल तीन लड़कियां ही बची होती हैं, और जब क्रिस्टन सैरा को रूम में नहीं पाती तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी एमिली उससे कहती है कि शायद उसे उसने मार दिया होगा। ये सुनकर क्रिस्टन उसे सब बताने के लिए कहती है। फिर वो बताती है कि एलिस नाम की लड़की उनके वार्ड में आई थी, जो बहुत ही बुरी थी और उन्हें मारा करती थी, लेकिन एक दिन सभी लड़कियों ने मिलकर उसे मार डाला और उसकी आत्मा इस हॉस्पिटल में भटक रही है और वो एक एक करके सबको मार रही है। तभी एमिली डरकर वॉशरूम में जाती है और चाकू से अपनी नस काटने वाली होती है, पर तभी एलिस की आत्मा आकर उसके हाथ से उसका गला काट देती है। जो ये देखकर रोने लगती है और क्रिस्टन से खुद को बचा लेने के लिए कहती है। इसके बाद क्रिस्टन उसके गले पर चाकू रखकर उस नर्स को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, जिससे नर्स वो दरवाजा खोल देती है। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के पास जाती है, तभी रॉय उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर वो उन्हें एक स्ट्रेट जैकेट पहनाकर एक रूम में बंद कर देते हैं। उनके जाने के बाद क्रिस्टन बेड के स्प्रिंग से उस जैकेट को फाड़ देती है और रूम से निकलकर रॉय और नर्स पर हमला कर देती है और जॉय को लेकर वहां से भागने लगती है। फिर क्रिस्टन लिफ्ट से जॉय को ऊपर भेजती है, पर उसी लिफ्ट में एलिस की आत्मा भी होती है और वो उसे मार डालती है। जब क्रिस्टन उस लिफ्ट से ऊपर आती है तो उसे रूम में खून दिखता है। तभी एलिस की आत्मा उस पर अटैक करती है, पर क्रिस्टन उसके सीने में एक एक्स घुसाकर उसे जख्मी कर देती है। फिर क्रिस्टन वहां से भागकर डॉक्टर के रूम में पहुंच जाती है, जहां उसे डॉक्टर की डायरी मिलती है, जिसमें सबसे ऊपर एलिस का और फिर बाकी लड़कियों का नाम लिखा था। तभी डॉक्टर वहां आ जाता है और वो उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहती है। डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारा नाम क्रिस्टन नहीं बल्कि एलिस है। ये सुनकर क्रिस्टन शॉक हो जाती है। फिर डॉक्टर उसे एक आर्टिकल दिखाता है और बताता है कि तुम्हें एक आदमी ने किडनैप कर लिया था और वो तुम्हें फिजिकली टॉर्चर भी करता था, और वो वही फार्म हाउस था जिसे तुमने जलाया था, और उस समय तुम्हारी उम्र 11 साल थी। पर क्रिस्टन को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए डॉक्टर अपना पेंडुलम खोलता है और उसे सब कुछ याद करने के लिए कहता है। पर तभी एलिस की आत्मा आकर उसे खिड़की से लेकर कूद जाती है, जहां हम एलिस को उसके असली रूप में गिरा हुआ देखते हैं। अगले सीन में डॉक्टर एलिस के पेरेंट्स से मिलता है और बताता है कि अब वो अपने रियल पर्सनैलिटी में आ गई है। इसके बाद उसके पेरेंट्स एलिस से मिलने जाते हैं और अब वो अपने पेरेंट्स को पहचान रही होती है, यानी कि अब वो ठीक हो गई थी, जिसके बाद अब एलिस अपने घर जाने वाली होती है। लेकिन तभी क्रिस्टन उस पर हमला कर देती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।